क्लास होने वाला है, इसमें मैं बताने जा रही हूँ आपकी जो इस तरह की हैवी वर्क की साड़ीज़ होती हैं उनका रीयूज़ मैं बता रही हूँ। इसमें मुझे लहंगा क्रिएट करना है, ये कस्टमर की साड़ी आई है और इसका लहंगा क्रिएट करना है। पैनल्स वाला लहंगा बनेगा, बट इसमें पैनल्स हमें कट नहीं करना है। नीचे की ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हमें एज इट इज़ लेनी है, पैनल्स को बिल्कुल भी कट नहीं करना है। तो ये देखिए, ये पूरी साड़ी है। यहाँ पर 1 मीटर का प्लेन पार्ट था तो मैंने वो पार्ट हटा दिया है, प्लेन पार्ट। ये यहाँ पर देखिए इतना वर्क है, और देन उसके बाद ये है पल्लू पार्ट। तो ये पूरा जो हमारा पल्लू पार्ट है ये हम फ्रंट में लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही हैवी वर्क हो रखे हैं। ऊपर का ये बॉर्डर जो है वो वेस्ट में ले लेंगे। तो इस पल्लू पार्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर साड़ी को जो है ले लिया है। पल्लू पार्ट फ्रंट में आ जाएगा और उसी की लेंथ का जो है बैक पार्ट मैंने आगे से साड़ी में से बढ़ाकर कट कर लिया है। अब इसे हमें बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फ्लोर पर बिछा लेना है। तो इस तरह से हमने साड़ी को डबल फोल्ड करके पूरे फ्लोर पर बिछा लिया है। अभी इसमें हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी है। पैनल्स बनेंगे बट पैनल्स की कटिंग नहीं होगी, सिर्फ पैनल शेप में स्टिच होगा। यहाँ पर हमारे ये पूरा जो अपर पार्ट है जो डबल फोल्ड करने के बाद है वो 64 इंचेस है, जिसमें यहाँ पर 40 इंचेस एक्स्ट्रा आ रहे हैं और बाकी हमारा वेस्ट है। तो वन साइड का वेस्ट हमारा 22 इंचेस है, दैट मीन्स ऑल ओवर वेस्ट हमारा 44 इंचेस है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पैनल्स क्रिएट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर 6 इंचेस पर हम पहले मार्क करेंगे, 6 इंचेस पर वेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी जो भी वेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग मार्क करें। और देन उसके बाद हम यहाँ पर 5 इंचेस का गैप देंगे, देन अगेन 6 इंचेस पे मार्क करेंगे। ये जो 6 इंचेस हम ले रहे हैं वो हमारे वेस्ट पार्ट में आएगा, और ये जो 5 इंचेस हम गैप दे रहे हैं ये यहाँ से कट आउट हो जाएगा। देन अगेन हम 5 इंचेस का गैप देंगे और 6 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। ऐसे ही हम अपर पार्ट में पूरी मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने मार्किंग कर ली है और लिख भी दिया है 6565, ताकि आपको समझने में आसानी हो। बिल्कुल जैसी मार्किंग हमने यहाँ पे की है वैसी ही मार्किंग यहाँ हम सेंटर में करने वाले हैं 65 के सीक्वेंस में। पूरी सेंटर में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने इसी सीक्वेंस में पूरा ये कंप्लीट कर लिया है मार्क लगा करके। अब हमें मार्किंग कैसे करनी है, यहाँ पर जो 6 इंचेस का है हमें वो वेस्ट में चाहिए और ये 5 इंचेस वाला हमें यहाँ से स्किप करना है। तो यहाँ से 6 इंचेस से ये 5 इंचेस पे हम 5 इंचेस का जो हमारा सेंटर होगा, दैट मीन्स ये 5 इंचेस है, इसका जो सेंटर आएगा 2.5 इंचेस पे, वहाँ पर हमें इसे मिलाना है इस तरह से। और अगेन इस वाले पॉइंट से इसके सेंटर को फिर से मिलाना है। हर पॉइंट में इस तरह से सेंटर को हमें मिलाना है, ताकि ये जो 5 इंचेस है वो यहाँ से हम कट कर सकें। और नीचे हमारा जैसा फ्लेयर है बिल्कुल वैसा ही फ्लेयर होगा, कंप्लीटली वैसा ही आ जाएगा। ये हम इस तरह से पूरे लहंगे में के ड्राफ्ट के लिए हम इस तरह से पैनल्स को निकालेंगे। तो ये जो आपका ये ट्रायंगल शेप आ रहा है ये कट होकर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखिए सेंटर में से ये 5 इंचेस वाले को हटा लिया है। जब इसे जॉइंट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर जैसे हम टक्स डालते हैं उस तरह की प्लेट्स डल जाएंगी, और नीचे का फ्लेयर जो है वो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। मैं आपको इस तरह से रख कर दिखा देती हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये प्लेट्स आ जाएंगी पूरी। स्टिचिंग के बाद ये थोड़ा सा इतना आ जाएगा, हमारा जो वेस्ट साइज है वो पूरा आ जाएगा, और नीचे की हमारी जो फुल वर्क है फुल एम्ब्रॉयडरी है वो एज इट इज़ लहंगे में आ जाएगी, और ये पैनल वाला लहंगा हमारा बनकर क्रिएट हो जाएगा। तो अब मैं आपको स्टिचिंग करके शो करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पैनल्स जॉइंट कर लिए हैं, जो हमने स्ट्रिप्स कट की थी उन्हें जॉइंट कर लिया है, और बहुत ही ब्यूटीफुली ये जॉइंट होके देखिए पूरा फुल फ्लेयर का लहंगा बनकर रेडी हुआ है। बैक साइड से भी मैं दिखाती हूँ, ये फ्रंट था और ये देखिए ये है बैक।
यहाँ से आपको क्लियरली शो हो रहे होंगे ये पैनल्स बिल्कुल इक्वली पैनल्स बने हैं, जैसा कि मेजरमेंट में बताया है। बिल्कुल उसी प्रोसेस से आप भी अपने इस तरह की हैवी साड़ियों में जिनके हैवी वर्क होते हैं विदाउट कटिंग आप बिल्कुल अच्छे से डिज़ाइनर फुल फ्लेयर के साथ बना सकते हैं। तो ये मैंने पैनल्स ज्वाइंट कर ली हैं, अब इसका लाइनिंग कट करके मैं आपको शो करती हूँ। लाइनिंग कट करने का बहुत ही इजी मेथड आपको बता रही हूँ मैं। यहाँ पर देखिए जो मुझे टोटल लेंथ लेनी है, मैंने 3 मीटर लाइनिंग लिया है। 3 मीटर में बहुत ही अच्छा लाइनिंग का घेर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टोटल लेंथ मुझे 37 रखनी है, यहाँ तक आ रहा है और ये उसे 3 इंच एक्स्ट्रा है। स्टिचिंग लेकर के ये पूरा परफेक्ट रेडी हो जाएगा, 40 इंचेस है, ठीक है। और वेस्ट यहाँ पर मुझे रखनी है 44 इंचेस, परफेक्ट वेस्ट साइज है। अब मैं इसे 4 फोल्ड कर लेती हूँ इस तरह से। 44 इंचेस परफेक्ट वेस्ट साइज है इसकी, हमारे लहंगे की। बट इससे हम यहाँ पर 3 इंचेस 4 इंचेस लगभग एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि इन केस अगर कभी थोड़ा सा वेस्ट साइज इंक्रीज होती है तो वो लहंगा जो है वो इजीली सेट हो जाएगा। इस तरह से हमने फोल्ड 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर अबाउट 44 है तो हम इसे 48 के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 48 का 4 पार्ट लेंगे हम, 12 इंचेस आएगा। यहाँ से हम 12 इंचेस की मार्किंग लेंगे और देन इसको हम इस तरह से देखिए सिंपली इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और इसे यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। अब इसी पैनल को हम इस तरह से अपोजिट करेंगे और यहाँ पर जॉइंट कर देंगे, जिससे हमारी वेस्ट की साइज़ भी जो है वो परफेक्ट रहेगी और नीचे से हमारा फ्लेयर जो है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो ये चारों पैनल्स में ये चारों जो कटिंग्स निकली हैं उसे एज अ पैनल हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये रहा घेरा। अब मैं आपको बताती हूँ घेरे के साथ लाइनिंग कैसे अटैच करेंगे लहंगे के साथ। ये हमारा जो लहंगा है अपर पार्ट वो कंप्लीट है और ये हमारा लाइनिंग पार्ट कंप्लीटेड है। ये देखिए दोनों में ही फ्लेयर काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर जो वेस्ट पार्ट है, ये लहंगे का वेस्ट और ये हमारा लाइनिंग का वेस्ट, दोनों हमने देखिए बिल्कुल इक्वल मेज़र के अकॉर्डिंग बना लिया है, रेडी कर लिया है। थोड़ी सी भी अप डाउन नहीं है। अब ये भी हमने स्ट्रेट रखा है और लहंगे का भी हमने स्ट्रेट रखा है। इसे हम अब लहंगे के अंदर डाल देंगे, लाइनिंग वाले फैब्रिक को लहंगे के अंदर डाल देंगे और दोनों साइड से वेस्ट की स्टिचिंग को मिलाते हुए इस तरह से देखिए हमने अंदर डाल दिया। अब इस साइड की वेस्ट की स्टिचिंग और इस साइड की वेस्ट की स्टिचिंग मिलाते हुए इसे राउंड अप पूरा चारों तरफ से हम स्टिच कर लेंगे। ये हमने वेस्ट पार्ट जॉइंट कर लिया है। अब देखिए अब हमें इस तरह की 2 इंचेस की स्ट्रिप चाहिए होगी वेस्ट पार्ट को जॉइंट करके इसमें डोरी इंसर्ट करने के लिए, या अगर आप इलास्टिक चाहें तो इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ किसी भी एक साइड से हम फ्रंट साइड से सीधी तरफ से, ये देखिए यहाँ साइड में मैंने फोल्ड करके फिनिशिंग कर ली है, सीधी साइड फैब्रिक के ये हम लगाएंगे स्ट्रिप और एक साइड से स्टार्ट करेंगे। जिस साइड में नॉर्मली डोरी टाई अप करते हैं उस साइड से हम स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स ये मैक्सिमम लोग जो है लेफ्ट हैंड की साइड डोरी टाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड की साइड में, लेफ्ट साइड में हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, ताकि डोरी की जो ओपनिंग हो वो लेफ्ट साइड में ही आए। पूरा राउंड में स्टिच होने के बाद ये वापस लेफ्ट में ही आके एंड होगी। तो यहाँ देखिए अब इसे हम बराबरी से मिलाते हुए इस तरह से स्ट्रिप को रखते हुए हम पूरे वेस्ट के अराउंड स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया। अब हमें ये जो पूरी स्ट्रिप है, इस पूरी स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ करेंगे। ये पूरी स्ट्रिप हमें अंदर की साइड में फोल्ड करनी है। मैंने यहाँ पर भी फोल्ड किया, इसलिए एक स्टिचिंग ले लूँ तो ये फिनिशिंग में आ जाएगी।
दैट मीन्स कि हम वेस्ट में अगर चाहें तो इसे इस तरह यहाँ फोल्ड करके इतना वेस्ट पट्टी अपर पार्ट में भी ले सकते हैं, मगर मैं यहाँ इसे पूरा इनसाइड में फोल्ड करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे हाफ इंच का फोल्ड लेते हुए ये पूरी स्ट्रिप को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा लहंगा पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है और हमारी जो एम्ब्रॉयडरी थी वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई है, पूरा फुल लेंथ का और फुल फ्लेयर का बनकर कंप्लीट हुआ है। यहाँ मैंने डोरी लगा दी है और डोरी में इस तरह से देखें ये जो एम्ब्रॉयडरी पार्ट कटिंग में निकले थे उन्हीं की मैंने ये हैंगिंग्स लगाई हैं, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में ब्यूटीफुल सी हैंगिंग्स लग रही हैं। इतने वर्क वाले लहंगे पे देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, इसलिए हैंगिंग्स मैंने बहुत ही लाइटली ली है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया हैंगिंग्स को। साथ ही में इसके साथ ये ब्लाउज है तो इसके साथ मैच में आप देख सकते हैं आ रहा है पूरा, ये देखिए। तो आपको इस तरह से सिंपल ट्रिक्स से हैवी साड़ी के रीयूज में लहंगा बनाने की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, ये डिज़ाइनिंग वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स लेकर आने वाली हूँ मैं अपने चैनल सुविधा का लेडीज़ फैशन बुटीक पर। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर करें और फेसबुक ग्रुप भी मेरा ज़रूर से ज्वाइन करें, उनमें भी आपको बहुत सारे रिलेटिव इमेजेस मिल जाएंगे और वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे और हमारे बुटीक के कुछ और भी डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स वहाँ पर भी आपको मिल सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।